नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि परमात्मा जब हमारी परीक्षा लेते हैं और उनकी जब परीक्षा की चरम सीमा आ जाती है, उच्चतम सोपान आ जाता है, तो हमारे साथ क्या होता है। परीक्षा तो परीक्षा ही होती है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना हम सभी साधकों का, हम सभी भक्तों का कर्तव्य है। लेकिन उस परीक्षा के किन किन दौरों से साधक को गुजरना पड़ता है, कौन कौन से व्यवधान उसके जीवन में आते हैं, उन सभी पर आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे। आज का ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहीं पर आकर के जो साधक होते हैं वो साधना करना छोड़ देते हैं, भक्त अपनी भक्ति छोड़ देता है, पुजारी पूजा करना छोड़ देते, सेवक सेवा करना छोड़ देता और आस्तिकता से नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम में से भी कोई भी ऐसा साधक, कोई भी ऐसा सज्जन या कोई भी ऐसा भक्त इन परीक्षाओं से घबरा करके अपनी साधना को छोड़ बैठे। इसलिए अगर हमें ये पता हो जाए कि फला फला प्रश्न हमारे परीक्षा में आने वाला है, तो हम उसकी तैयारी पहले से ही करके बैठ जाते हैं, है कि नहीं। तो हमें इसी प्रकार से तैयार रहना है ईश्वर की परीक्षा के लिए। ईश्वर जो हमारी परीक्षा ले रहे हैं उसमें पास करने की जिम्मेदारी तो ईश्वर की ही है, वही हमें पास करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ें, उसको हम निभाते रहें। अब देखिए, भगवान जब हमारी परीक्षा लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। भगवान की कृपा से ही हम उस परीक्षा को पार करेंगे। लेकिन पहले हमें ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि भगवान हमारे साथ कैसा कैसा, कैसे कैसे व्यवधान पैदा कर सकते हैं। वो ये इसलिए नहीं करते कि हम उसमें फेल हो जाएं, हम बिखर जाएं या हम टूट जाएं, बल्कि वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उन व्यवधानों से हम पक करके और ज़्यादा परिपक्व हो जाएं और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, ताकि संसार के जो ये झंझा बातों से हम भयभीत ना हों। तो वो उन सभी दौरों से हमें गुजारते हैं जिनसे हमारी गिरने की संभावनाएँ अधिक होती है, हमारे टूटने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारी परीक्षा चल रही है और परीक्षा की अंतिम स्थिति में हम हैं, यानी आखिरी पेपर हम हल करने वाले हैं। तो उस समय हमारे साथ क्या घटित होता है वो सुनिए। पहले जब भगवान की परीक्षा अपने उच्चतम सोपान पर होती है तो दुखों की भरमार हो जाती है हमारे जीवन में। एक दुख खत्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, यानी दुख पर दुख, कष्ट पर कष्ट, मुसीबतों पर मुसीबत, बीमारियों पर बीमारियां, हानि पर हानि हमें होनी शुरू हो जाती है। बहुत कठिन समय हो जाता है ये, अपने को स्टेबल बनाए रखने के लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, भगवान हमें संकट की भट्टी में पकाना चाहते हैं ताकि हमारा यश और हमारा आत्मबल मजबूत हो जाए। तो यही समझ करके हमें अपनी साधना में और अधिक जुट जाना चाहिए। देखिए, इसमें नुकसान नहीं होगा ये निश्चित मान लीजिए, हानि कुछ नहीं होनी है ये आप जान लीजिए। जो भी हानि होते हुए दिखाई देगी वो थोड़े समय के लिए ही होती है, उसके बाद अपार सुख और अपार शांति आने वाली है। तो पहला जो कारण है, पहला जो लक्षण है वो यही है कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर, चारों तरफ से हमारे अंदर दुखों की भरमार होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ऐसी स्थिति में अगर हम मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे हैं तो हमारे व्यापार में घाटा हो सकता है, व्यापार चौपट भी हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और उस खराब स्वास्थ्य में भी हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी सेवा पूजा को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो परिस्थितियाँ आई हैं, देखिए ये जो परिस्थितियाँ आई हैं ये पहले नहीं थी और ये बाद में भी नहीं रहेंगी। ये जो बीच में हमें महसूस कराई जा रही हैं ये हमारी आत्मशक्ति को बलवान करने के लिए ही भगवान द्वारा हमको दी जा रही हैं परिस्थितियाँ। ऐसे में हमारा साथ कोई नहीं देता, सभी हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं कि अरे ये तो ऐसे पूजा कर रहा है, घर में खाने को नहीं है, सब्जी नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर वाले ताने देंगे। कोई भी आपका साथ देने को उस समय तैयार नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी साथ नहीं देगा लेकिन वो ऊपर वाला पीछे से ज़रूर अपना हाथ, सुरक्षा भरा हाथ अपना आपके ऊपर ज़रूर रखे रहेंगे।
परीक्षा तो वो आपकी लेंगे, परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ती है, पात्रता तो आपको अपनी सिद्ध करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो ईश्वर आपको गिरने भी नहीं देगा। वो परमात्मा न्यायकारी के साथ दयालु भी है, तो वो हमेशा अपनी दया भरा हाथ आपके ऊपर बनाए रखेंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक कुम्हार होता है, जब वो घड़ा बनाता है तो बाहर से उस घड़े पर चोट मारता है, लेकिन अंदर भी अपना एक हाथ बनाए रखता है ताकि वो घड़ा टूटे ना। तो वो उसे टूटने नहीं देगा, और हमें भी टूटना नहीं चाहिए, इतना विश्वास हमें रखना है। इतनी परेशानी आने के बावजूद भी अगर हम टूट जाते हैं तब तो हमें डबल नुकसान हो जाएगा। देखिए, दोहरा नुकसान कैसे होगा? परमात्मा की प्राप्ति से भी हम वंचित रह जाएंगे, और घर गृहस्थी में भी जो नुकसान कर बैठे हैं वो तो है ही। नौकरी भी चली गई, व्यापार में भी मान लीजिए घाटा हो गया, उधार भी हो गया, तो परमात्मा भी नहीं मिले और नुकसान दोहरा हो गया। तो कम से कम एक नुकसान को सहते हुए दूसरे बड़े नुकसान से तो हम अपने आप को बचा ही सकते हैं। इसलिए बहुत ही हिम्मत से मित्रों आपको काम लेना है। और जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो हर कोई आपका अपमान करेगा, हर कोई अपमान करेगा। जो लोग पहले आपकी बड़ाई करते हुए थकते नहीं थे, वो भी आज आपको अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन असफल हो जाएंगे। आप अपने रास्ते पर, अपने फैसले पर डटे रहिएगा। सबसे पहले जो आपका अपमान होगा वो आपके घर वाले ही करेंगे। आपके पति, आपकी पत्नी, या आपके बच्चे, या आपके भाई बहन, वही आपको अपमानित कर रहे होंगे। हर कोई अपमानित उस समय आपको करेगा, और ये अपमान की एक ऐसी घड़ी होती है जहाँ पर आकर के साधक पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का इतना स्मरण करता हूँ, इतना मंत्र जाप करता हूँ, इसके बावजूद भी हमें इतनी परेशानी आ रही है। चलो परेशानी मैं एक बार को सहन कर भी लूँ, लेकिन फिर इसके बावजूद भी तो हमें अपमानित तो होना पड़ रहा है, और अपमान एक ऐसी चीज है जो जल्दी सहन नहीं होती है। तो उस समय आपको दृढ़ बने रहना है, दृढ़ता का अपने परिचय देना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरा ईश्वर तो मेरे साथ है, और वही तो ये खेल कर रहा है। ये हमें पहले से ही जान लेना है, इसलिए तो ये वीडियो हम बना रहे हैं कि हम पहले से जान लें कि ये कोई और नहीं कर रहा है। किसी में ताकत नहीं है कि वो आपका कोई नुकसान कर सके या आपका कोई अपमान कर सके। जब तक वो परमात्मा नहीं चाहेगा, जब तक वो ईश्वर नहीं चाहेगा, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप दृढ़ता का परिचय दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, हमें ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी सेवा पूजा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें दुख दिखाई दे रहा है, अपमान दिखाई दे रहा है, परंतु आगे जो शांति मिलने वाली है, आगे जो सम्मान हमें मिलने वाला है, कि ये सारा संसार आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, ये बात आप जान लीजिए। आप खुद सोचिए, सुदामा जो थे, सुदामा को कितना कष्ट मिला था, सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, और फिर संसार जो था, सारा संसार आगे चलकर उसी सुदामा के सामने नतमस्तक भी हुआ, क्योंकि सुख उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी तरीके से सुख आपकी भी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया आप अपने को स्टेबल बनाए रखिए, और आगे आने वाले समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार कीजिए। देखिए, समय सारे सवालों का जवाब दे देगा। और कई बार आगे ऐसी भी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं जब उसको धन की हानि होने लगती है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, अपनों से भी अपमान मिलता है, धोखा मिलता है, और व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो ये सोचने लग जाता है कि अब संसार में मेरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं अपना है, हम किसके लिए क्या करें। और ऐसी स्थिति जब आती है तो वो नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है। पर हमें वहाँ पर बहुत होशियारी से काम करना है, हमें नास्तिकता की ओर नहीं बढ़ना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ऐसी स्थिति में अपने परमात्मा के हाथ को और दृढ़ता से पकड़ लेना है। फिर वो परमात्मा हमारे साथ चाहे जो कुछ भी करे कराए, ये उसकी मर्जी है। कहते हैं कि जो भीख मंगाए तो का घट जाए, और जो राज दे तो कौन बढ़ाए। अगर वो राजा भी बना देता है तो उसमें उसका क्या बड़प्पन है, और अगर वो भीख भी मंगा देता है तो इसमें हमारा क्या घटता है। ऐसा भाव रख करके हमें साधना में अनवरत लगे रहना है। इन नकारात्मक विचारों को हमें अपने अंदर प्रवेश बिल्कुल नहीं करने देना है। मजबूती और धैर्य को बना के चलना है। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अकेले आप अपने आप को समझ रहे हैं, पर आप अकेले हैं नहीं। उस परमात्मा का साथ अभी भी आपके पास है।
सारा संसार आपका साथ छोड़ देगा, ये स्थिति भी आती है, आई भी है भक्तों के सामने, हमारे आपके सामने भी आ सकती है, लेकिन उस समय हमें अपनी दृढ़ता का परिचय देना पड़ेगा। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियेचारी। धर्म की परीक्षा भी होती है आपत्ति काल में ही, लेकिन ये परीक्षाएं क्यों कराई जाती हैं, ये परीक्षाएं आपसे क्यों ली जा रही हैं? ये इसलिए ली जाती हैं ताकि आप अपने और पराए का भेद समझ सकें। इन्हीं स्थितियों में आपको ये पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, किससे मित्रता करनी है, किसको किसके प्रति उदासीन हो जाना है, किसके साथ हमें अपने संबंध बनाए रखने हैं, किसके साथ नहीं बनाए रखने। धीरज धैर्य की परीक्षा भी विपत्ति में ही होगी, धर्म की परीक्षा भी विपत्ति में ही होगी, मित्रों की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है, और स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है। तो परमात्मा जो हमारे साथ ये परीक्षा वाला नाटक करेंगे, तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम संसार की असलियत को समझ सको, संसार आखिर है क्या। इसलिए मित्रों, ना कोई पहले था हमारा, ना कोई अभी है, और ना ही कोई बाद में रहेगा। कौन था हमारा शुरू में? परमात्मा ही हमारे थे, आज भी परमात्मा ही हमारे हैं, और आगे भी हमारे परमात्मा ही हमारे होंगे। ये भाव आप अपना बना लीजिए, सारे संकट की घड़ी कट जाएगी, क्योंकि असीम आनंद, असीम सुख आपकी आगे प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, जरा सा आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत रखिए, बहादुरी का परिचय दीजिए। ये जो संग्राम होगा उसको आपको जीतना ही जीतना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।